बड़ी खबर रांची से। नियोजन नीति के सवाल पर कांग्रेस के तेवर तल्ख हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर का बयान आया है, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। टाइम फ्रेम में अंदर नई नियोजन नीति लेकर आए सरकार, नीति ऐसी बने कि कोर्ट में टिक सके। कांग्रेस पार्टी को है सरकार से काफी उम्मीदें, बजट सत्र से पहले नई नियोजन नीति बन जाए, ये मांग कर दी है कांग्रेस ने, डिमांड कर दी है राजेश ठाकुर ने, और कहा कि नियोजन नीति जल्द से जल्द बने और सरकार को ऐसी नियोजन नीति बनाई जानी चाहिए कि उसको लेकर किसी का विरोध ना हो, और वो अगर कोर्ट पहुंचे भी कुछ लोगों की वजह से तो वो कोर्ट में टिक ना सके जो उसका विरोध है। तो तेवर तल्ख हो गया इस मामले को लेकर अब, क्योंकि लगातार नौकरियों को लेकर ही बात की जाती है और सरकार की ओर से भी लगातार यही कहा जाता है, लेकिन वास्तविकता बिल्कुल अलग होती है। और इसी को लेकर गाहे बगाहे कांग्रेस हो या जेएमएम, उसको लोग कटघरे में खड़ा करते हैं, और इसी को लेकर यह तेवर तल्ख किया है कांग्रेस ने। बड़खबर राज्य से एक और, विधि विशेषज्ञों की राय लेकर तैयार की जाएगी नियोजन नीति। झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने बयान दिया इसी पर। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे के सामने इस विषय को लेकर आएंगे बंधु तिर्की। उन्होंने कहा है कि मैं इस विषय पर बात करूंगा, प्रदेश के इस गंभीर मसले का समाधान अब हो ही जाना चाहिए, ताकि एक ऐसा नीति बना लिया जाए यहां पर, एक ऐसी नीति बने यहां पर कि जिसे कोई चैलेंज ना कर सके और सबके हित उसमें छुपे हों। बंधु तिर्की का बयान आया इसी मामले पर। तो नियोजन नीति को लेकर कांग्रेस ने अपनी राय स्पष्ट कर दी है, कहा कि जल्द से जल्द ये बन जाए ताकि यहां के युवाओं के लिए नौकरी को लेकर जो भर्तियां होती हैं, जो रिक्तियां होती है, उनका रास्ता साफ हो सके, क्योंकि नियोजन नीति नहीं होने की वजह से ही भर्तियां नहीं हो पा रही है। मतलब साफ है कि इस बार कार्य समिति की बैठक में इस मुद्दे पर खास तौर से कांग्रेस मंथन करने जा रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।